मेरे पिताजी आज मेरे साथ नहीं है। जब भी मैं ऐसी किसी सभा में आता था तो उसके बाद हमेशा वापस आकर गाड़ी में पापा का फोन आता था, पूछते थे क्या रहा, कैसा रहा, सभा कैसी रही। अब उनका फोन नहीं आता, अब वो है नहीं, फिर क्या है? और मुख्यमंत्री को तो बदलना है,
भ्रष्टाचार को भी सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है। कल पता है ना यहीं पर प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी आए थे, जानते हो ना? पता है हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को क्या बोले? वो बोले कि बिहार के हर एक गांव में नली गली बन गई है। तो बन गई ना? नहीं बनी? नहीं बनी? नली गली नहीं बनी? अरे मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री को बोले कि बन गई। कैसे बोले? झूठ बोले? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को झूठ बोल दिए? अरे जब अच्छा बोले कि हर घर में नल से जल पहुंच गया तो पहुंच गया ना? नल से जल भी नहीं पहुंचा तो प्रधानमंत्री जी को तो बता दिया मुख्यमंत्री की नल से जल पहुंच गया। फिर झूठ बोले? फिर से? तो जो लोग झूठ बोलता है उसको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए? कौन बदलेगा? अच्छा कम से कम सात विषय में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? भ्रष्टाचार भी हुआ? किसने किया? नीतीश जी ने। नीतीश जी ने भ्रष्टाचार किया? और वो तो बोले कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार होता ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को बोले ये तो झूठ बोले? तो साथियों जो लोग बिहार में भ्रष्टाचार किए, जो लोग बिहार में भ्रष्टाचार किए, सात विषय में जितना भ्रष्टाचार हुआ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने वादा किया हम लोगों ने कि जिन लोगों ने सात विषय में भ्रष्टाचार किया, भले वो कोई अधिकारी हो या मुख्यमंत्री स्वयं क्यों ना हो, उनकी जांच करवाकर उनको जेल भेजने का काम। हमेशा कहते थे शेर का बच्चा होगा तो तुमने चीज बनाएगा, शेर का बच्चा हूं मैं, शेर का बच्चा, ना किसी से डरता हूं, ना घबराता हूं, ना किसी के आगे छुपता हूं। आने वाले समय में जितने लोगों ने बिहार को लूटा, बर्बाद किया, जिन लोगों ने हमारे युवा साथी को पलायन करने पर मजबूर किया, जिन लोगों ने बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ाया, जिन लोगों ने बिहार में अपराध बढ़ाया, और जो लोग आज हमें नौकरी नहीं देते, जो आज हमें पढ़ने नहीं देते, उन सब से चुन चुन कर बदला लेगी हमारी युवा सरकार। आज मैं आप लोगों से सिर्फ अगले 18 दिन मांगने आया हूं। ये 18 दिन आप लोगों को मुझे देने होंगे। मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में विश्वास है? विश्वास है? तो बस अपने अगले 18 दिन मुझे दे दीजिए, बिना किसी जात पात धर्म मजहब के। बिहार में अगर कोई एक जाति है तो गरीबी की जाति है, और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जब तक हर किसी के हाथ में हम लोग राय नहीं देंगे, प्रति व्यक्ति आय जब तक बिहार की नहीं बढ़ेगी, तब तक बिहार से गरीबी नहीं हटेगी, तब तक बिहार की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। और मुख्यमंत्री ने क्या किया 15 साल? हमें सिर्फ जातियों में बांटा। जो अंग्रेज करते थे बांटो और शासन करो, वो मुख्यमंत्री ने हमारे साथ किया। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, सिर्फ बांटा और हमने शासन किया। और अब वक्त आ गया है मुख्यमंत्री से हिसाब बराबर करने का। मुख्यमंत्री ने जितने झूठे वादे और उनके अधिकारियों ने, मुख्यमंत्री नेताओं पर भरोसा नहीं करते, जनता की बात नहीं सुनते। मुख्यमंत्री सुनते हैं तो सिर्फ अधिकारियों की बात। जो अधिकारी शासक मुख्यमंत्री लेकर आए हैं, जो अधिकारी जिला स्तर के हो, प्रखंड स्तर के हो, जो हम लोग को प्रताड़ित करते हैं, जो हम लोग का लाभ हम लोगों को नहीं लेने देते, इन अधिकारियों को भी लोजपा की अगली सरकार में जवाब देना होगा कि क्यों हम लोग को आपने लाभ नहीं दिया हमारी योजनाओं का। क्यों आपने अभी तक केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं हो, उसको धरातल पर नहीं उतरने दिया। इसीलिए साथियों अगले 18 दिन घर घर जाए, गांव गांव जाए, यहाँ का चुनाव हो जाए तो पड़ोस के प्रदेश जिलों में जाए, वहां पर जाकर हर किसी को बताए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एक बात तो दिखाई,
संकल्प है बिहार को विकास की राह पर आगे लेके जाने का, बिहार को सबसे विकसित राज्य बनाने का। मेरे पिताजी आज मेरे साथ नहीं है। जब भी मैं ऐसी किसी सभा में आता था तो उसके बाद हमेशा वापस आकर गाड़ी में पापा का फोन आता था, पूछते थे क्या रहा, कैसा रहा, सभा कैसी रही। अब उनका फोन नहीं आता, अब वो है नहीं इस दुनिया में। पर यही बोला था बाबा ने कि कभी अपने आप को अकेला मत समझना, बिहार करो, बिहार की जनता तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि तुम्हारी सोच सही है, तुम्हारी नीयत सही है, तुम्हारी नीयत सही है। तो मेरे पिताजी के अंतिम इच्छा को पूरा करने में आप लोग मेरा साथ देंगे ना? कैसे साथ देंगे? कैसे बटन दबाएंगे? कहां दबाएंगे बटन? कितने नंबर पे? कितने? चार नंबर हो? कौन सा चार? अगला सा? चार नंबर पर, अगला चार पर मेरे बड़े भाई, मेरे साथी, मेरे पुराने मित्र, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आप सब एक एक मेरा युवा साथी कम से कम अपने साथ कितने लड़कों को लेकर जाएगा? बस बस, और कम से कम 50-50 आदमियों को लेकर आप लोग अपने साथ जाएंगे। और मेरे साथी, मेरे बड़े भाई रामेश्वर चौरसिया जी के लिए, रामेश्वर प्रसाद जी के लिए वहां पर आप लोगों का आशीर्वाद है, उनको माला दे दू तो मैं जोर में ताली बजा के बताइए। लोकतंत्र की बड़ी जिंदाबाद।